लोकसभा चुनाव में इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने नौकरी पेशा मतदाताओं के लिए मतदान करने की विशेष व्यवस्था की है, जिसमें नौकरी पेशा मतदाता ईटीपीवीएस की सुविधा के जरिए मतदान कर सकते हैं। दरअसल ईटीपीवीएस सुविधा में मतदाताओं के पास ऑनलाइन मतपत्र भेजा जाता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद मतदाता उस मतपत्र को डाक के जरिए भेज सकेंगे। बात करें प्रदेश के नौकरी पेशा मतदाताओं की, तो यहां कुल 1,36,595 सर्विस मतदाता हैं। वहीं जयपुर जिले में कुल 9,654 सर्विस मतदाता हैं, जो कि इस बार ईटीपीवीएस के जरिए मतदान करेंगे। इस सुविधा के लिए सर्विस वोटर को सबसे पहले वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। यूएस की प्रक्रिया की गई, उसमें कुल मिलाकर 1,36,595 सर्विस वोटर्स को ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किए गए। जयपुर की बात करें तो जयपुर में दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर में कुल 1,303 सर्विस वोटर्स हैं जिनको कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किए गए। जयपुर ग्रामीण में अलवर जिले का बानसूर भी आता है, बानसूर को मिलाकर के जयपुर ग्रामीण में कुल 9,056 सर्विस वोटर्स को ये पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किए गए। जयपुर जिले में कुल मिला के 9,654 सर्विस वोटर्स हैं। इस तरीके से इन सभी को कल रात को ये ईटीपीवीएस की प्रक्रिया पूरी करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट सेंड कर दिए गए।